हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर 8 पर। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि और भी कई माध्यम हैं जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सीधा हमसे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी एनसीईआरटी ऑफिशियल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 8 चैनल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, आज के अगर हम टॉपिक की और सत्र की बात करें तो आज हम क्लास 8 के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं साइंस का, जो है मोशन। तो इसके ऊपर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ इस सत्र में एक एक्सपर्ट भी जुड़ी हुई हैं जो आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगी कि आखिर मोशन होता क्या है और किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू जो आप इजीली समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के सत्र में यहाँ पर बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सेशन में कोई भी क्वेरी या फिर डाउट हो तो आप हमें सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800440559। यहाँ तक कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class8@cit.nic.in। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम सबसे पहले हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। आज की हमारी एक्सपर्ट है मिस सुरुचि अग्रवाल मैम, जो PGT फिजिक्स है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, सुरुचि मैम। थैंक यू मैम। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज बच्चों मैम आपको बताएंगी साइंस के टॉपिक मोशन के बारे में, तो सबसे पहले मैम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मोशन क्या है और किस तरीके से आप इसको ब्रीफली बच्चों को बताना चाहेंगी। यू मे रिमेम्बर कि हमने प्रीवियस सेशन में मोशन के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस किया था, जहां पर हमने मोशन को डिस्क्राइब किया था इन टर्म्स ऑफ द रेफरेंस रिंग, राइट। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि कैसे हम मोशन को ग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के ग्राफ स्टडी करेंगे आज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इन दोनों की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे मोशन को। सो नाउ जस्ट बिफोर दैट वी जस्ट नीड टू रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। So we have already studied that motion can be described in terms of distance moved or the displacement, where the distance can be defined as the total path length traveled by an object and the displacement is the shortest distance between the initial and the final position of an object. The motion of an object could be uniform or non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing. Then we describe speed, where we define speed as a distance traveled by an object in unit time. An average speed can be calculated by using the expression total distance traveled per unit of time. Whereas velocity is also the speed when we consider its magnitude, that is the velocity of the speed of an object moving in a definite direction. So when we consider direction along with the magnitude, that becomes our velocity. And average velocity is equal to displacement per unit of time. Then we also discussed about acceleration, that acceleration of an object is a change in velocity per unit time. And we can find out the expression as acceleration is equal to change in velocity per unit of time taken. So this all we have already discussed in the previous session. Now, further proceeding with the graphical representation of motion. So today we are going to discuss the motion in terms of distance time graph and velocity time graph. And we are going to see that how graph may give us lot of information about the motion. So first of all, talking about the distance time graph. So here children, you can see I have taken one of the distance time graph of an object moving with a uniform speed. Uniform speed means what? When the body covers equal distance in equal interval of time. So when we plot a distance time graph, we consider distance and time across the two perpendicular axes as per the convenience. So here you can see that ki yahan par humne time ko liya hai along x axis, which is expressed in minutes,
and the distance is taken in kilometers across y-axis. And the scale is also taken as per the convenience. Okay, so इस graph से हमें क्या समझ में आ रहा है, हम क्या क्या समझ सकते हैं, look at this carefully. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे time interval है in terms of 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes and so on. And the distance in kilometers are equally divided as 10, 20, 30, 40 kilometers. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर टाइम में मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स अगर हमें ये देखना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन टिल दिस ग्राफ एंड देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वेयर एवर इट इंटरसेप्ट. तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो 10 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है एंड ऑलमोस्ट लाइक 10 और 20 के बीच में अगर हम 15 मान के चले तो 15 किलोमीटर से थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट. तो यहाँ पर लाइक इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस और जहां पर इसने इंटरसेप्ट किया है ग्राफ को वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारा पॉइंट जो है ये हमें बताएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम. So this is how we can study from the distance time graph कि कितने time duration के बाद कितना distance travel हो चुका, right? One more thing we can find out using the distance time graph, that is the speed. Okay? So see how we can calculate the speed from this graph. उसके लिए हम कोई भी दो points consider करते हैं इस graph में, ठीक है? Suppose I consider this point as A and this point as B. अब पॉइंट ए से बी तक का मोशन हम स्टडी कर, ठीक है? तो हमने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस, एंड देन वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस एक्सिस. जहां पर भी ये दोनों लाइंस, डॉटेड लाइंस इंटरसेप्ट करें, कट करें एक दूसरे को, उसे हमने कंसिडर करा पॉइंट सी एंड इट गिव्स अ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, नाउ we know that speed is equal to distance upon time. Speed का formula क्या होता है? Distance upon total distance travel upon total time taken, right? अब यहाँ पर अगर हमें distance देखना है, तो distance कहाँ से? A से लेके B तक अगर हम distance travel देखना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ से मैंने एक line draw करी parallel to x-axis और point A से भी draw करी parallel to this one. तो अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लू एस टू और इस डिस्टेंस को मान लू एस वन, तो कैन आई से द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी एस टू माइनस एस वन, राइट? सिमिलरली ए से बी तक जाने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? तो इनिशियल टाइम है जब बॉडी पॉइंट ए पर थी, तो यहां से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है नीचे, तो ये मैंने टाइम लिया लेट से टी वन. इसी तरह से बी से जब मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस, I can mention this point as T2. So time duration kitna hua? T2 minus T1. So from this graph, I consider the speed travel by finding out this S2 minus S1 upon T2 minus T1. So this is how you see, ki using this distance time graph, we can find out ki what is the distance travel in the given time duration. We can also calculate the speed. And this graph, which is a straight line inclined to time axis, represent that the motion is uniform. The body is moving with a uniform speed, as you can see that कि हर equal interval of time में distance travel equal. तो यहाँ से हम ये भी interpret कर सकते हैं कि अगर body uniform motion में, if it is covering equal distance in equal time, that is it is moving with a uniform speed, तो उस case में हमारा जो distance time graph या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है विच इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. सो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी प्लॉटेड अ यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नाउ अनदर केस, नाउ दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन वी आर गिवन अ टेबल फॉर टाइम इन सेकेंड्स एंड द डिस्टेंस इन मीटर. सपोज वी नीड टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूजिंग दिस डेटा, राइट? अ बॉडी इज फॉलोइंग दिस डेटा. ओके, सो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम टाइम और डिस्टेंस के एक्सिस को डिफाइन करेंगे. लाइक एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे लिया हमने डिस्टेंस इन मीटर्स. ओके, नाउ अब हमें इसको
स्केलिंग करना है ग्राफ को, तो टाइम का, लुकिंग एट द सुटेबल यू नो टाइम स्केल 0, 2, 4, 6, 8. तो यहाँ पर हम यही ले लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस इन मीटर्स में देखें तो यहाँ पर लेट्स से आई कंसिडर द सुटेबल स्केल टू बी द डिफरेंस ऑफ 10 meters. एक स्क्वायर को मैंने 10 meters के बराबर माना, ठीक है? तो 5, 10, 15, 20, 25 and so on. अब देखिए हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे. When the time is 0 second, तो corresponding distance is 0. तो पहली हमारी पॉइंट हो गई ये. जब टाइम 2 seconds है तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 1 meter. When time is 2 seconds, अब देखिए यहाँ पर अगर ये 10 divisions 5 meter हम consider कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 1 meter के लिए, हम क्या ले सकते हैं? Suppose मैंने ये ले, ये मेरा 1 meter हो गया. जब टाइम 4 seconds है, then the distance travel is 4. I can allocate it over here. When time is 6, distance is 9. Time 6, distance 9, 10 के नीचे आ गया. जब time 8 है, तो distance है हमारा 16. तो 16 will be somewhere here. Then, जब हमारा 10 seconds था, तो distance हो गया हमारा 25, approximately. Okay, 25 यहाँ पर आ गया. ठीक है? And we can proceed further with the data. अब यहाँ पर अगर हम इन सब points को join करते जाएंगे with a free hand, है ना, फ्री हैंडी हम इसको ज्वाइन करेंगे. सो दिस इज अ ग्राफ वी आर गोइंग टू गेट. एंड रिमेंबर चल रहे हैं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी शुड यूज अ पॉइंटेड पेंसिल, अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल शुड बी यूज, राइट, टू गेट द करेक्ट डेटा. और हम ये जो भी हमने डिविजन मार्क करे हैं, जो भी हमने पॉइंट मार्क करे हैं, उसको हम इनसर्कल कर लेते हैं सो दैट ये हाईलाइट हो जाए. ठीक है? सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूजिंग द गिवन डेटा. अब यहाँ पे देखो, पिछले ग्राफ में जो हमने ड्रॉ किया था, वहां पे मिला था हमें स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द बॉडी वॉज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द सेम स्पीड, राइट? बट यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सेलरेटेड मोशन, मीन्स द स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वो इंक्रीज होती जा रही है. सो दैट वी आर गेटिंग अ कर्व हियर, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? नाउ दिस इज द एक्चुअल ग्राफ विच यू कैन सी इन द एनसीईआरटी ऑल्सो. दिस इज हाउ वी गेट द graph, okay, the distance time graph. So here two types of graph we have studied in distance time. One, the body moving with the same speed. Another one, the motion with a non-uniform speed. Now, can we plot the distance time graph for the body at rest as well? हमने देखा body uniform motion में थी, right? Velocity was constant. तो हमने straight line plot करी, inclined to time axis. यहाँ पर हमने non-uniform का भी graph plot करा. अब क्या हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हैं कि बॉडी तो रेस्ट पे है? सो सपोज व्हेन टाइम वाज जीरो, बॉडी वाज एट दिस लोकेशन, यहां पर थी बॉडी, ठीक है? नाउ टाइम के साथ साथ टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, बट पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है ना बॉडी की. सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. सो दिस पैटर्न ऑफ द ग्राफ विल रिप्रेजेंट दैट द बॉडी इज एट रेस्ट. सो a line which is drawn parallel to time axis in distance time graph represent body at rest. Okay, now again just a quick recap. If the body is in uniform motion, the distance time graph is a straight line inclined to time axis, and if it is a uniform accelerated motion, we can draw a graph like this. It will be a curve. Okay, now next we are going to talk about the velocity time graph. Now see, this is one of the graph which represent the velocity time graph for a car which is moving with a uniform velocity of 40 kilometers per hour. So how do we interpret this thing? Here you see the time is taken in hours along x-axis, and the velocity is represented in kilometers per hour along y-axis. Okay? अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, when the time was 1 hour, तो कितना velocity थी? It was 40 kilometers per hour, isn't it? जब 2 hours हो गए, even then the velocity seems to be 40 kilometers per hour. When the time was 3 hours, after 3 hours also the velocity remains the same. After 4 hours also the velocity remains the same. So again, this velocity time graph represents that the body or the car is moving with a uniform velocity of 40 kilometers per hour. So now,
If a body is moving with a uniform speed or the uniform velocity, the graph is a straight line parallel to time axis. Okay, so this is what information we can get from the velocity time graph. Now, one more information we can get from here, that is, you know that the agar hame distance nikalna hota hai, ya displacement, agar hum velocity ki baat karein, so we can talk about displacement, right? So displacement is equal to, yes, displacement is equal to velocity into time, right? From the formula again, velocity is equal to displacement upon time. Okay? तो अगर हमें वेलोसिटी इनटू टाइम न्यूमेरिकल में निकालते हैं, हमकी वेलोसिटी गिवन है, टाइम लेकिन हमने दोनों का प्रोडक्ट किया और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया. अब ग्राफ में देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं. यहाँ पे अगर सपोज मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में T1 से लेके T2 तक का मुझे निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ. केवल इस पार्ट से, ए से लेके बी तक का बात हो रही है, क्योंकि हमने बात करी है T1 से लेके T2 तक का निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल. तो हम क्या करेंगे, हमें स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम करना है ना, राइट? तो यहाँ पर हम दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों का हम इसका हम एनक्लोज एरिया निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइंड आउट, कैन बी फाइंड आउट बाई फाइंडिंग आउट द एरिया एनक्लोज बाई VT ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC. दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल गिव अस अ डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड? सो टू थिंग्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वन, व्हाट इज अ वेलोसिटी एट अ सर्टेन टाइम, एट अ सर्टेन इंस्टेंट. Secondly, we can also find out the displacement of the moving particle in any duration. Now, let us plot a velocity time graph using this data. It is an example of velocity time graph for a car moving with a uniform acceleration. Now, look at this. It's very interesting again. Here, the time is taken along x-axis again. And I prefer to take the distance, this time is again in. I take it as, okay, it's not seems to be uniform. So let's start from here. It is 5, 10, 15, then 20, then 25, then 30, right? And speed, suppose I consider in kilometers per hour. So the total speed I can see from 0 to 54, it seems to be, right? So if I take the time division of, let's say, the difference of, let's say, 10, 20, 30, 40, 50, and so on. So here the velocity is expressed in kilometers per hour. Okay, so each block, each box is representing 10 kilometers per hour. Okay, now when time is 0 second, so the board, it's 0 again. Okay, 0 pe aaiye. Ab jab time 5 seconds hai, to jo hamari velocity hai, wo hai 9. Velocity is somewhat here. Okay. Now, when time is 10, it's 18. 18 will be somewhere here. Then 27, 15 pe kitna hai? 27, somewhere here, let's say. Theek hai? Then 20 seconds pe, 36. Let it be here. And then it will be like 25 or 45. Somewhat here. तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 30 पे 54 समवेयर हियर. ओके, सो व्हेन आई विल जॉइन दिस, एक्चुअली माय जीरो इज नॉट कंसाइडिंग बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो गया, बट एनीवेज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो और स्केल आपका बिल्कुल सही होता है तो वो जीरो से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए. ओके, इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ओके, सो यू कैन सी कि क्योंकि इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करना होता है ग्राफ में, इक्वल डिवीजन, इक्वल टाइम इंटरवल होगा तभी हमारा ग्राफ प्रॉपर बनेगा. सो आई विल जस्ट शो यू, दिस इज हाउ वी गेट द पैटर्न, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इनिशियली व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो वेलोसिटी. ओके,
व्हेन इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं अक्रॉस द टाइम एक्सिस, वी गेट द स्ट्रेट लाइन. दिस इज हाउ वी ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मीन्स the speed or the velocity is increasing with the uniform rate. Now, again, इस ग्राफ में हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? The area enclosed by VT graph. तो यहाँ पर भी अगर मुझे पूरे टाइम में, मतलब यहाँ तक बॉडी ने यहाँ तक ट्रेवल किया है ना, यहाँ जीरो टाइम से लेके इस टाइम तक ट्रेवल किया, और मुझे निकालना है लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या था या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था. तो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज I'm going to consider this as triangle OAB, let's say, and I'm going to find out the area of this triangle OAB. That gives me the area enclosed. Understood? Now, in this situation again, you can see a graph wherein, this is a graph of the same data which I just drawn. तो यहाँ पर अगर हमें suppose distance निकालना है, distance या displacement travel between 10 seconds to 20 seconds. तो हम क्या करेंगे, ये लिया हमने टाइम को 10 सेकेंड, ये लिया हमने 20 सेकेंड, और यहाँ T1 से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो A से लेके E तक है ना, T1 से T2 का आने में ग्राफ A से लेके E तक गया, राइट? तो A से लेके E के अंडर का एरिया में निकालना, सो इट विल बी एरिया ऑफ वी कैन से स्क्वायर A, B, C, D plus area of triangle A, D, E. This will give us the total displacement between 10 to 20 seconds. Right? So this is how we can calculate the distance. Now these are the other various types of velocity time graphs wherein this graph represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time. You can see time increase हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 seconds. थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप briefly जल्दी से बच्चों को बता दें आज के topic के बारे में, क्योंकि हमारे पास कुछ ही time अब बचा हुआ है. Yes, sure ma'am. I am towards the ending phase only. So this is the motion of an object whose velocity is decreasing with time, and this in this graph you can see that the velocity is varying. You know, it's a non-uniform variation of velocity of the object with time. कि हर moment पे velocity change भी हो रही है, but उसका कोई variation uniform pattern में नहीं है ना, it is varying non-uniform. So this is one example of velocity time graph of variable motion, which is non-uniform and also which is where the velocity is decreasing with the time. So these are few questions which are given in the NCERT. You can try. And now briefing up. Let's have a quick recap what we have studied today. That we have studied to describe the motion of an object, we can use a line graphs, we can use a distance time graph to determine the speed of an object, the variation of the velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph, and the area enclosed by velocity time graph and the time with the time axis will be equal to the magnitude of displacement. So this is how we can study so many things with the help of graphs, with the help of the graphical representation of motion. तो बच्चों आज के सेशन में मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको मोशन का ये चैप्टर समझाया, और साथ ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और साथ ही डिस्प्लेसमेंट को भी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और साथ ही जिस तरीके से मैम ने आपको ये भी कहा है कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कीजिए, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो मैम ने आपको क्या कहते हैं उसमें जो डेरिवेशंस बताई हैं और साथ ही फॉर्मूला जो उसके लिए यूज़ किया गया है उसको यूज़ करके आप वो सॉल्व ज़रूर करें ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से कर पाएँ. तो आज के सत्र में मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी, और आज के सत्र में सिर्फ इतना ही. तो सबसे पहले मैम का हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद सुरुचि मैम आपका. थैंक यू सो मच. तो इसके बाद दर्शकों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं. साथ ही आप सभी बच्चों को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी से कुछ ही देर में हमारा अगला सेशन आने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होने वाला है, तो आप लोग उसको भी देखिए. तो बने रहे हमारे NCERT ऑफिशियल चैनल के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.